हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मनु। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम खिला खिला दलिया की रेसिपी। बिल्कुल इसे हम दलिया पुलाव भी कह सकते हैं या फ्राई दलिया भी कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सा है और बिल्कुल खिला खिला है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये हेल्दी सी ब्रेकफास्ट रेसिपी। तो दलिया बनाने के लिए मैंने एक कटोरी ये दलिया लिया है जो हम मार्केट से लाते हैं, ये वही वाला दलिया है। बस हम जैसे ही इसे लाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, इसे बड़ी सी कढ़ाई में एक बड़े चम्मच घी में अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेती हूँ। तो 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेते हैं जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। इसलिए मैं हमेशा दलिया इस तरीके से घी में रोस्ट करके ही बनाती हूँ। गैस पर मैंने कढ़ाई ले ली और कढ़ाई में डाला है मैंने एक बड़े चम्मच के बराबर देसी घी। घी को हम हो जाने देंगे मेल्ट और गैस का फ्लेम रखेंगे हम बिल्कुल लो टू मीडियम। जैसे ही घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे जीरा। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा चम्मच के बराबर जीरा डाला है और आधा छोटा चम्मच के बराबर सरसों के दाने डाले हैं। दोनों को थोड़ा सा चटकने देंगे और इसके बाद हम डाल रहे हैं यहाँ पे कुछ कड़ी पत्ते। तो यदि आपके पास फ्रेश करी लीव्स है तो आप वो डालिए या फिर सूखे हुए कड़ी पत्ते भी हम डाल सकते हैं। तो इन्हें अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये दो अनियन जो कि फ्रेश अनियन है, जो अभी न्यू न्यू आने लगी है वो वाली। आप नॉर्मल जो अनियन हम यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं। प्याज को हम करेंगे हल्का सा फ्राई। तो यहाँ पे प्याज जब थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो जाएगी, मतलब 1 से 2 मिनट बाद हम इसमें डाल देंगे आलू। तो मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया था जिसमें से भी मैंने आधा आलू कट करके डाला है, ज़्यादा आलू नहीं डाले हैं। साथ ही में मैंने ये गाजर ली थी जिसे भी मैंने कट करके डाल दिया है। क्योंकि आलू और गाजर को थोड़ा टाइम लगता है पकने में, इसलिए मैंने इन्हें स्टार्टिंग में ही प्याज के जस्ट बाद डाल दिया है। तो 2 से 3 मिनट तक इन्हें हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है हरी मिर्च, 2 हरी मिर्चें जिन्हें इस तरीके से लंबा कट करके डाल दिया है। हरी मिर्च के साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ मूंगफली के दाने डाल दिए हैं जो कि लगभग मुट्ठी भर के बराबर होंगे। साथ ही मैं 3 बड़े चम्मच के बराबर मैंने मटर के दाने डाल दिए हैं। इन सबको भी हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। सारी सब्जियों को मिला लेने के बाद अब हम इसमें डालने वाले हैं नमक, जिससे कि सारी सब्जियाँ होने वाली हैं जल्दी से कुक। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच के बराबर नमक डाला है, क्योंकि सब्जियां और दलिया दोनों में नमक किसी में नहीं है, इसलिए थोड़ा सा नमक मैंने ज़्यादा डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। सब्जियों को अच्छी तरीके से नमक में मिला लेने के बाद मैं इसे ढककर कुक करूँगी 2 मिनट के लिए। ज़्यादा देर हमें सब्जियों को कुक नहीं करना है। 2 मिनट बाद हम सब्जियों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ पे ये सब्जियाँ अच्छी तरीके से हो चुकी हैं। और यदि आपके पास टमाटर या शिमला मिर्च हैं या और भी कोई सब्जी जिसे आप खाना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पे बारीक कट करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दी है 1 छोटा चम्मच के बराबर लाल मिर्च पाउडर, और कोई सा भी मसाला मैंने यूज़ नहीं किया है। ये सिर्फ थोड़ा सा कलर देगी और थोड़ा टेस्ट देगी क्योंकि ये तीखी नहीं है। अब मैंने जिस कटोरी के नाप से दलिया लिया था उसी कटोरी के नाप से मैंने लिया है पानी। तो ये मैंने 1 कटोरी पानी डाल दिया है और ये डाल दिया है 1/2 कटोरी। तो मतलब कि हमने 1 कटोरी दलिये के लिए 1.5 कटोरी पानी का यूज़ किया है। पानी में आ जाने देंगे हम बॉयल। जैसे ही पानी में उबाल आ जाता है हम इसमें डालेंगे दलिया। तो यहाँ पर पानी में अच्छा बॉयल आ चुका है, अब हम डालेंगे दलिया। तो ध्यान रहे, जितना दलिया लिया है उसका 1.5 गुना हमें डालना है पानी। और यदि आप और भी सब्जियां लेते हैं जैसे कि गोभी या फिर ज़्यादा आलू डालते हैं तो पानी की मात्रा और बढ़ा देना, जैसे कि हम फिर डबल कर देंगे सीधे। तो यहाँ अच्छी तरीके से मिला लेने के बाद 2 मिनट मैंने इसे छोड़ दिया था ढक के। 2 मिनट बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो देखिए ये अच्छी तरीके से 60-70% कुक हो चुका है, पूरा कुक नहीं हुआ है। अब हम इसे मिलाकर एक बार फिर से ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद हम चेक करेंगे। तो ये जो दलिया है
वो बिल्कुल रेडी है, अच्छी तरीके से हो गया। इसके बाद भी यदि आपका दलिया थोड़ा कच्चा रह जाता है तो आपको यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद करके इसे ढककर छोड़ देना है। तो यहाँ पे मैंने अब गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और धनिया मिला दिया है बस। तो ये रेडी है एकदम खिला खिला सा हमारा दलिया। बिल्कुल हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी मैंने आपको बना के दिखाई है, तो आप भी इसे बनाइए और इंजॉय कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही हेल्दी सी यम्मी सी रेसिपीज़ के लिए। हम मिलते हैं जल्दी ही कुक विद मनु पर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे ऐसी ही और नई नई वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।